थोड़ा सा मुस्कुराने से जब फोटो अच्छी आ सकती है तो जिंदगी भर मुस्कुराते रहिए, जिंदगी भी अच्छी आ जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बच्चे खुश रहना, मस्त रहना, हंसते रहना और मुस्कुराते रहना। आप सभी को राधे राधे। बस भाई निकलते हैं हल्द्वानी के लिए। जैसे पहले बताया था पिछले ब्लॉग में, भाई निकलना था 6 बजे लेकिन बजने वाले हैं 8, थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। चलिए चलते हैं, बस बाइक चेंज करनी है, फिर निकलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। मेरा दिल भी भाई क्लिप देख ली होगी तो भाई देखिए, यही चीज मैं बोलता हूँ कि बस हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। देखिए परेशानी जिंदगी में हर किसी के है, कभी आज दुख है कभी कल सुख है, तो बस हमेशा खुश रहना सीखिए, मेन चीज यार इसका बस यही मतलब था। तो हल हल निकल जाएगा, अपने आप ही सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। तो बस निकल चुके हैं बाइक से, चेंज कर लिए बाइक, पापा जी से ले लिए क्योंकि वो वाली बाइक जाएगी नहीं। चलो चलते हैं मस्त। मिलो भाई हनुमान जी के प्रणाम करके, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो देखो कौन मिला है, सैम भाई मिले हैं। भाई मैं गाड़ी देख के ही पता है इनके भैया की क्या हाल है। भैया कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भैया आपकी गाड़ी पीछे से देख के ही पहचान गया सैम भाई जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया ट्रिप पे? ओके, बस गाड़ी देख के, मैं पीछे का सेटअप देख के ही पहचान गया। भाई डेली फॉलो करता हूँ, डेली आपको पर डे ब्लॉग देखता हूँ, बस जो बीच में गैप हो जाता है 8 दिन का, बस वो बहुत बुरा लगता है। हाँ रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे को खुद नहीं लगता है गैप हो रहा है, लेकिन जब आप लोग मिलते हैं। हल्द्वानी जा रहा था थोड़ा काम से अपने, बिल्कुल अभी जैसे जैसे मैंने गाड़ी मिली सेम भाई है यार मेरे। अच्छा थैंक यू सो मच भैया, मेरा प्रशांत शर्मा ब्लॉग। भाई हल्द्वानी जैसे बताया था आपको कि हल्द्वानी आ रहे हैं, और भाई जो काम था वो काम हम निबट गया है, वो 11 बज रहे हैं भाई। और आपको पता है भाई रास्ते में क्या हुआ, सैम भाई मिले थे, शायद आप लोगों को नहीं पता कौन है, तो मैं बता दूं भाई उनके YouTube चैनल का नाम है राइडिंग विद पीस। भाई काफ़ी अच्छा ब्लॉगिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं भाई, ट्रैवल ब्लॉगिंग, और भाई आप लोग देखोगे ना मज़ा आ जाएगा। भाई अभी उन्होंने इसुजू ली थी और जो मॉडिफाई कराई है ना इतनी प्यारी लग रही है भाई, उसमें कुकिंग वुकिंग पूरा सेटअप लगाया है भाई, आप लोग देख सकते हो जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और सामने भी हेडलाइन पे आ रहा होगा राइडिंग विद पीस के नाम से। भाई काफ़ी अच्छा लगा कि भाई रुके और फोटो वोटो भी खिंचाई, इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक कर लेना फ़ोटो भी। चलिए भाई सारा काम हम निबट गया था जो हल्द्वानी में का काम था, भाई 11 बज रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट भाई 2 घंटे लगे काम निबटने में, बस अब भाई घर को ही जाना है, लेकिन आज है छुट्टी तो भाई बस अब हम खड़े हैं सौरभ के घर के सामने सोसाइटी पे, आज देखते हैं मिलते हैं नहीं मिलते हैं, बाकी का क्या होता है देखते हैं, अगर मिलते हैं तो भाई आपको भी दिखाएंगे, नहीं तो भाई कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटा 1.5 घंटा वेट करने के बाद फिर निकल जाएंगे अपने, नो प्रॉब्लम। काफ़ी अच्छा लगा मिलकर, बातें करी काफ़ी सारी, ढेर सारी उनकी मम्मी से, सौरभ से, चाची से, भाई ब्लॉगिंग नहीं करी ना वो कर रहे थे तो भाई मैंने भी ब्लॉगिंग करी, फिर सैम भाई मिले उनसे भी ढेर सारी बातें हुई, मैंने और साले साल दोनों ने फोटो खिंचाई, आपने इंस्टाग्राम पर देख लिया, नहीं देखे तो मैंने इंस्टाग्राम पर लिंक दिया है जाके चेक कर लिया। भाई सौरभ ने ना उस दिन ब्लॉगिंग कर रहे थे और ना ही कुछ, भाई मैंने ब्लॉगिंग के लिए कहा भी नहीं झूठ के बोलूं, क्योंकि भाई अपनी आदमी की पर्सनल लाइफ भी होती है, वो तो वो इन्जॉय करने जा रहे थे, वो थे सौरभ थे, कुणाली थे, साहिल था और निर्मल थे, चारों जने, तो मैंने उनसे कुछ बोला नहीं कि ब्लॉगिंग कर लूँ या कुछ भी, ये ना तो उन्होंने कुछ कहा कि ब्लॉगिंग कर लो, बाकी की यूट्यूब का बोला, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ फ़ोटो क्लिक कराए और आ गए। बस उन्होंने नॉर्मली मोबाइल से हट के बातें आते करी, काफ़ी अच्छा लगा, बस वही चीज़ बढ़िया है। चलिए लेकिन आपने इंस्टाग्राम पर अगर फोटो नहीं देखा हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और मस्त मस्त फोटो आ रहे हैं, बस अपने भाई को सपोर्ट करिए, बस डेली कंटेंट आएंगे, डेली फैमिली ब्लॉगिंग भी होगी, मज़ा आने वाला है आप सभी के लिए, बस ऐसे ही कर दीजिए और इससे आगे वाली वीडियो देखना आने वाली, मज़ा आएगा आप सभी को, काफ़ी अच्छी लगेगी। चलिए